बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पार्टी है तो मैं हूँ, और मैं सोचता हूँ कि पहले हमारे लोग हैं तब कि गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है हम लोग। देश भर में लोकसभा चुनाव और बीजेपी नेताओं की अजीब हरकत सामने आ गई है। बीजेपी नेताओं में तालमेल नहीं बैठ रहा है और बीजेपी नेता अपने ही पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। बता दें आपको, हाल ही का एक वीडियो राजू सिंह का सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपनी जाति के कुछ समर्थकों को इकट्ठा कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आप लोग वोट का बहिष्कार कीजिए, आप लोग किसी को वोट मत दीजिएगा, मैं डबल इंजन की सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सरकार हमें ऐसे ही छोड़ दी है, आप सभी लोग वोट का बहिष्कार कीजिए, मैं विधायक रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा, मैं समाज का सेवा करता रहूंगा और समाज मेरे साथ है, ये मुझे भलीभांति पता है। बता दें आपको कि राजू सिंह ने पार्टी से बगावत कर दिया है, वो पार्टी लाइन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं बीजेपी नेता राजू सिंह का। ये एक अलग वीडियो सामने आया जहां पर वो पार्टी से बगावत करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पहले पार्टी है उसके बाद मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे लिए मैं सबसे पहले हूँ, यहाँ की जनता, मेरे समाज की जनता सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है। पार्टी जब हमें नहीं देखती है तो हम पार्टी को क्यों देखें। आप राजू सिंह के पूरे बयान को सुनिए और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से उठ गई है। और मैं समझता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पार्टी है तो मैं हूं, और मैं सोचता हूं कि पहले हमारे लोग हैं तब पार्टी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी स्थिति में जो आप लोग का निर्णय होगा मेरा उस निर्णय में हमेशा सहयोग रहेगा, सहयोग ही नहीं बल्कि उसमें आगे बढ़ चढ़ के चलूंगा। अभी मैं जहां तक समझा हूं कि हमारे यहां अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के साथ रहने वाले ढेर सारे नेता घूमेंगे, और आपकी अपनी शक्ति गाय घाट में ये है कि आप अपनी शक्ति एक होकर के दिखाएंगे। और मैं जात में केवल नहीं कह रहा हूं, जमात में जो गलत का विरोध करने वाला है, और मैं समझता हूं कि कुलभूषण यादव दरोगा का विरोध जमात में हो रहा होगा, इसलिए इसको जात में मत मानिए, 90% और जमात में लाकर के जमात के लोगों का इस आंदोलन ऐसा खड़ा कीजिए 2-4 दिन के अंदर में कि गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आपकी घोषणा में मैं समर्थन करता हूँ, पार्टी मुझे रखेगी कि निकाल देंगे, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन जो जब तक समाज सही नहीं रहेगा, जब तक जमात सही नहीं रहेगा, मैं सही रहकर क्या करूँगा, मुझे मैं विधायक बन जाऊँ और समाज इसी तरह से पिटता रहे, मैं विधायक बन जाऊँ इसी तरह से महिलाओं के साथ में गलत होता रहे, तो उससे अच्छा है कि विधायक न बन करके रहना, लोगों के साथ में रहना, लेकिन वो विधायक बन के नहीं रहना जिसमें महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाए, लोगों को इस तरह से प्रतिनिधि से पेश आया जाए लोगों के साथ में, और मुख्य दर्शक बन करके विधायक एमपी बन करके हम लोग देखते रहे, कम से कम मैं उसमें से नहीं हूँ। और शायद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे पैदा ही किया है लड़ने के लिए, जब से राजनीतिक में आया हूँ जिला में आप देख रहे होंगे सब लोग राजनीतिक करता है, मैं लड़ता ही रहता हूँ, आप लोगों का रहेगा, और गाय घाट की लड़ाई को हम यहीं पर नहीं छोड़ने वाले हैं। पुरुषोत्तम यादव 1-2 दिन के अंदर में यहाँ से नहीं जाता है तो मैं उस आचार संहिता की परवाह भी नहीं करूंगा आपके साथ मिलकर के। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।